अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मोहम्मद अहमद जी। तो यार आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, एक नई वीडियो के साथ। टाइम वेस्ट किया जो है ना, वो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा यार, टीचिंग जॉब्स के लिए कतर में डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो टीचिंग जॉब्स अवेलेबल हैं, जिनमें यार हॉट टॉपिक्स जो रहते हैं, जो हॉट सब्जेक्ट्स के लिए जो हायरिंग रहती है मोस्टली। वैसे तो डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है इस जॉब को अभी, डिफरेंट टीचिंग स्कूल्स और डांस अकेडमीज में, और इसके अलावा जिम ट्रेनर्स, और ये मतलब सारी टीचिंग जॉब्स में ही ना जो ये चीज़ें फॉल करती हैं, कैटेगरी फॉल करती है, ठीक है। इसके अंडर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप सिंपली इंडीड पर, लिंक्डइन पर सिर्फ आप टीचिंग जॉब्स इन कतर आप सर्च करते हैं, तो आपको डिफरेंट कैटेगराइज हेल्थ सेक्टर के अंदर टीचिंग जॉब जो हैं, इसके अलावा लेक्चरर एज अ लेक्चरर, ठीक है, वो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। रिसेंटली जो मैं देख रहा था अभी, दोहा स्कूल के नाम से एक जो है, और इसी तरह से एक और स्कूल था जिसमें हायरिंग ऑन गोइंग है, जिसमें आप जो है ना, अगर तो आप अपने होम टाउन से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें आई थिंक मोस्टली जो जॉब्स रहती हैं, हायरिंग रहती है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, प्रेफरेबली इंग्लिश, और इसके अलावा मैथ एंड साइंस, इसका आई थिंक जो है कॉम्बो रहता है, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, ये हॉट सब्जेक्ट्स जो है ना हायरिंग के लिए कंसीडर की जाती हैं। इसमें मज़ीद अगर आपको कैटेगराइज करके दिया जाए तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, डांस अकेडमीज के लिए टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अलावा जिम वगैरह के लिए ट्रेनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें प्रॉपर जो है ना वो टीचिंग क्लासेस वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनके लिए हायरिंग रहती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के लिए जो हेड प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए वो कैटेगराइज किया जाता है इस जॉब में। मतलब टीचिंग को आप सिर्फ लेट नहीं कर सकते कि स्कूल तक, टीचिंग में आपको डिफरेंट जो कैटेगरीज मिल जाती हैं। और इसमें अगर बात करें सैलरीज की, तो सैलरी जो फॉर एग्जांपल टीचिंग की बात की जाए स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको जो है ना वो मिनिमम जो है ना वेज आई थिंक स्टार्ट होती है 4000 प्लस से। इसके अलावा आपको अलाउंसेज में स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से आपको जो अलाउंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें ईयरली जो है वो हॉलीडेज वगैरह इसमें अराउंड वन मंथ की होती है हॉलीडेज, एयर टिकटिंग अलाउंस इसमें ऐड होता है। इसके अलावा अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें ये है कि चॉइसेस रहती हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन उनकी नहीं लेना चाह रहे, या फिर आप उसको अकोमोडेशन के अगेंस्ट जो है ना वो अलाउंस जो है ना वो इन कैश लेना चाहते हैं, तो वो आपकी सैलरी में वैसे ही ऐड हो जाता है, ठीक है। 4000 से आई थिंक जो है ना वो स्टार्टअप है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आपने कितना और किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन कितनी है, बैचलर्स है या फिर मास्टर्स है या फिर एमफिल किया हुआ या पीएचडी किया हुआ है, आपको इस अकॉर्डिंग जो है ना वो सैलरीज वेजेस सेट की जाती हैं। और इसके अलावा जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ जो है वो जो हायरिंग्स जिनकी ऑन गोइंग है, जिनकी ज्वाइनिंग अराउंड जनवरी या फरवरी में ज्वाइनिंग डेट्स है, उनकी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करता जाऊंगा, जितने भी हायरिंग्स हो रही हैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है या फिर ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो हायरिंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जो है ना वो उस लिंक के थ्रू, ज़्यादा जो मोस्टली होंगी वो उसमें इंडीड की एप्लीकेशन जो ऑन गोइंग है हायरिंग के लिए, वो मैं आपको जो है ना वो अटैच करके दे दूंगा, उसमें आप जो है ना वो चेक कर सकते। जी तो ये आज के लिए बस यही टॉपिक था, जॉब के रिलेटेड था, टीचिंग जो कि सब्जेक्ट था हमारा आज, टीचिंग के अकॉर्डिंग जो भी जॉब्स अवेलेबल है कतर में, जो उनको ऑन गोइंग जो हायरिंग हो रही है, वो मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली जो है ना वो जिस कंपनी ने या जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ऐड लगाया हुआ है, आप डायरेक्ट उन्हें ईमेल कर सकते हैं और इसी तरह आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और यार लास्ट में ये कहना मैं भूल गया हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर का लाइक उनको जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।